सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत बढ़ रहे नकबजनी की घटनाओं के बाद पुलिस के हाथ एक गिरोह लगा है जिसके 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें से आमीन और शरीफ जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर पहले भी चोरी के इल्जाम लग चुके हैं, वही 2 युवक इनके साथ नाबालिग भी काम करते थे जो कि पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है। ये अलग बात है कि अभी तक कई ऐसे अपराध है जिनका खुलासा गुना पुलिस नहीं कर पाई है। अरे सब आप रख लेंगे सामान के बाद जी पकड़ जाओ हेलो थाना कोतवाली अंतर्गत जो है करनेलगंज प्रताप छात्रावास के आसपास और नकबजनी की जो घटनाएं हो रही थी जिससे जनता में थोड़ा असंतोष व्याप्त था, उसको ध्यान में रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हम लोगों को निर्देशित किया, तो उसके तारतम्य में हमने एक थाने की टीम गठित की गई थी और ये गैंग यहाँ पर काम कर रही थी, उस गैंग को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है जिसमें एक मुलजिम जो है आरिफ और दूर में भी चोरी में रहा है आमीन, जिसके द्वारा ये गैंग तैयार की जा रही थी, तो उनके 2 साथी जो नाबालिग हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है और एक साथी जो है उसका शरीफ उसको भी हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इनसे हमने हमारी 3 चोरियां का माल सोना चांदी के जेवरात बरामद किया है। करीब 5-1 लाख का माल बरामद हुआ है, सिलेंडर बरामद हुए हैं और कपड़े बरामद हुए हैं, करीब 5-1 लाख का माल बरामद 3 चोरियों के अंतर्गत हुआ है और अन्य चोरियों में भी इनसे अभी पूछताछ की जा रही है, अगर आगे भी इनसे कुछ और चोरियाँ कबूल करने की उम्मीद है।